प्रशासन का विकास, डीएम का विकास, एसपी का विकास, इन्होंने इसकी खेती शुरू की है यहाँ पे। यहाँ पे न किसानों की खेती नहीं, किसानों का नहीं व्यवस्था कोई किया गया, सिर्फ प्रशासन के लिए व्यवस्था कर रही है कंपनी एसजीबीएन। मैं नौकरी मांग रहा हूँ, शिक्षा मांग रहा हूँ, हमारे क्षेत्र का विकास मांग रहा हूँ, क्या गलत? और किसानों के लिए लड़ाई लड़ने वाले एक हमारे देश के सबसे बड़े नेता राकेश टिकैत जी हैं। क्या राकेश टिकैत जी आप लोगों के साथ आएंगे? बिल्कुल आएंगे, हम उनकी राह पर चल रहे हैं। उन्होंने भारत सरकार को दिल्ली में झुका के दिखाया है, तो हम लोग यहाँ बिहार सरकार को दिखाएंगे। उनके भाई महेंद्र टिकैत का पूरा समर्थन है, आप देख सकते हैं उस पोस्टर में महेंद्र टिकैत जी जो किसान महापंचायत को पूरा वहीं ऑर्गेनाइज करवाए हैं। तो अब पूरा देश का किसान, पूरा देश का किसान अब धीरे धीरे चौसा की धरती में आ करके संघर्ष करके यहाँ के बच्चों और युवकों को नौकरी दिलवाने के लिए समर्थन देगा पूरा। नमस्ते प्रणाम, मैं राज सिंह, अभी मैं चौसा में हूँ और चौसा में जैसा कि आपको पीछे तस्वीर दिख रहा होगा, चौसा थर्मल पावर प्लांट, जहाँ पे नौजवानों को बहुत बड़ी बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। वैसे नौजवान जिन्होंने अपनी भूमि गंवाई है, जब भूमि दिया जा रहा था अर्थात कंपनी ने ले रही थी भूमि, तब उसका कहना था कि आपके हर एक घर में एक नौकरी रहेगा, ये पूरा एरिया ग्रीन एरिया बनेगा, अस्पताल की सुविधा होगी और न जाने कितने वादे किए गए। फिर भी अभी तक, आपको पीछे में एक और तस्वीर मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, यहाँ पे किसानों के द्वारा एक महापंचायत का आयोजन किया गया है, कि महापंचायत के द्वारा ये भी तय किया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इस पर भी आंदोलन और भी आगे उग्र होगा। विशेष अभी हम बात करेंगे नौजवानों के, जो बेरोजगारी की समस्या है, जिस तरीके से नौजवानों को ठगा जा रहा है, शिक्षण भी दिया गया था और उसी के संबंध में हम बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम होगा भैया? पहले मेरा नाम गौरव राय है। और क्या कहना चाहेंगे इस थर्मल पावर प्लांट में नौजवानों की जो समस्या है? देखिए, बहुत ज़्यादा समस्या है। सबसे पहला समस्या हम गिनाना चाहते हैं कि ये शुरुआत से ये लोग एक चैन सिस्टम बना लिए हैं, जैसे कि ये लोग ट्रेनिंग देते हैं, फिर उसके बाद अप्रेंटिसशिप 2021 में इन्होंने 100 पद निकाले हुए थे जब इनके CMD आए हुए थे, तो और आज 2022 में ये अप्रेंटिसशिप करवा रहे हैं तो उसका मात्र 50 पद निकाले हुए हैं, 50 पद ये लोग खा चुके हैं। और इसमें भी 50 लोगों में ज़्यादातर बाहर के लोग हैं, परियोजना प्रभावित मात्र 5 या 6 लोगों को लिया गया था। इसके विरुद्ध में लोग जब आवाज़ उठाएं तो उसको, उस प्रक्रिया को कैंसिल कर दिया इन्होंने। अब इतना बड़ा घोटाला आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितने ज़्यादा मतलब धोखेबाजी कर रहे हैं लोगों के साथ। क्या कहेंगे भैया? ऐसा है कि हम लोग जब ज़मीन दिए शुरू में, तो इन्होंने कहा कि इधर लोकल के जितने भी किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, उनको ही हम रोजगार देंगे, लेकिन बिल्कुल उल्टा किए। जिस बात को वो बोले थे उसके विपरीत काम किए कि बाहर बक्सर जिला माने लास्ट में, इधर लोकल से नहीं, लोकल से एक भी लड़के को नहीं नहीं रखे हैं, 20-22-25 1% भी मान लीजिए यही किए हैं। और अंदर में ये तो बोले थे कि पेड़ लगवाएंगे, इधर का विकास करेंगे, इधर का नहीं, प्रशासन का विकास, डीएम का विकास, एसपी का विकास, इन्होंने इसकी खेती शुरू की है यहाँ पे। यहाँ पे न किसानों की खेती नहीं, किसानों का नहीं व्यवस्था कोई किया गया, सिर्फ प्रशासन के लिए व्यवस्था कर रही है कंपनी एसजीबीएन। ये पीछे में एक झंडा दिख रहा है, किस चीज का झंडा है भैया? किसान का है, किसान मोर्चा। हाँ, किसानों का झंडा है और भी लोग हैं, आ जाइए थोड़ा सा आगे। क्या कहेंगे और क्या क्या समस्या है? समस्या यही है, समस्या है कि सबको बेरोजगार बना दिए, सबको लालच दे करके बिना मतलब के प्रशासन से पिटवा रहे हैं। रात में आपके पास CCTV चला हुआ है, आपके ही माध्यम से CCTV में आ करके रात में झंडा उखाड़े, किसानों को मारे, तिरंगा को फाड़ दिया गया, तिरंगा का अपमान किया गया, तिरंगा को कुचल दिया गया, पैर से कुचल दिया गया, देश का समझ लिए राष्ट्रीय ध्वज के साथ ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। नौकरी मांगने पर FIR का धमकी देते हैं यहाँ के पदाधिकारी, LNT के और SJVN के पदाधिकारी, नौकरी मांगने पर FIR का सीधा धमकी मिलता है यहाँ पे। यहाँ सरकार का मिली भगत है, सीधे CM इसमें इन्वॉल्व है, नहीं तो आज तक हमारा 90-80 दिन से चल रहा है धरना। क्या उनके शांतिपूर्ण तरीके से धरना चल रहा है? शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, प्रशासन इसको उग्र करना चाहती है, सरकार उग्र करना चाहती है, लेकिन लोग
सही रास्ते पर बैठ करके अपना निर्णय करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार नीतीश कुमार तक उनके कानों में चू नहीं रेंग रही है, वो पैसा खाए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे भैया? अरे हम यही कहना चाहेंगे कि जो वादा किया था 2014 में वो सब मिलना चाहिए। पहले तो नौजवानों को नौकरी देने के लिए भरोसा दिलाया और दिया भी नहीं, उस पर कैंसिल भी कर दिया, अभी कुछ सेवा नहीं दे रही है। गांव में बहुत सारे बेरोजगार लड़के, अरे बहुत सारे हैं, एकदम ना के बराबर नौकरी दी है, ताकि पास से तो योग्यता होगी ना। RTI से निकाला गया मात्र पूरे क्षेत्र में 5000 लोग इस प्लांट में काम कर रहे हैं, उसमें मात्र 216 लोग नौकरी कर रहे हैं। जब हमने RTI दिया तो इसमें समझ लीजिए कि कितना परसेंट हुआ, मात्र समझ लीजिए 5% नौकरी दी जा रही है, 5000 का 216, आप समझ जाइए कि क्या है। क्योंकि उस समय ये कहा गया था, लिखित तौर पे या मौखिक तौर पे? लिखित तौर पे भी बोला गया था, मौखिक तौर पे भी, और अभी भी बोला जा रहा है ये लोग कि तरजीह परियोजना प्रभावित क्षेत्र के लोग को देंगे, लेकिन इसमें ये पूरी तरह से विफल है। क्या कहना चाहेंगे भैया? मैं यही कहना चाहते हैं कि बनारपुर पंचायत का उप मुखिया मैं अजय कुमार चौधरी, मैं सरकार से, हम सरकार के विरोध, हमारे जो यूनियन के लोग हैं, हमारे जो किसान हैं, हमारे जो मजदूर हैं, हम ये बेखूबी जानते हैं कि हमारे सरकार, जैसे कि हमारे सरकार बेकार नहीं है, हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे सरकार ने बेप हमारे साथ करता है, उसी तरह से हमारे माता पिता हमें भी बेप करता है। प्लस पॉइंट ये बनता है कि ये सरकार की कुछ कर्मी हैं जो लूट कर रहे हैं, जैसे कि सांसद हो, विधायक हो, शासन प्रशासन हो, मैं शासन या प्रशासन से मैं मांग करता हूँ, तो सारा कमान तो सरकार के पास ही है ना, सारा कमान सरकार के पास है, वही तो क्यों नहीं सरकार इसको अपने अंडर में ले रही है और आगे रही है। सरकार ने RNR पॉलिसी में खुलेआम लिख दिया है, जो लिखा मैं वही मांग रहा हूँ, सरकार का हक, सरकार जो हमको हक दिया है वो हक का मांग रहा हूँ, मैं नौकरी मांग रहा हूँ, शिक्षा मांग रहा हूँ, हमारे क्षेत्र का विकास मांग रहा हूँ, क्या गलत है? आपको एक बता देता हूँ बात की, एक हिटलर शासक था जो कह देता था वो नियम बन जाता था, तो क्या सरकार ऐसा नियम नहीं बना सकती है? सरकार कह दे वो उसके कर्मचारी करे, उसके विधायक करे, उसके सांसद करे, ऐसा नहीं हो सकता है? सरकार तो कह चुकी है, लेकिन यहाँ का सांसद, विधायक, शासन प्रशासन, कंपनी वाले ने क्या कहते हैं? सालों साल जमीन का जो दो साल के अंदर जो ग्रामीण इलाका है उसका रेट बढ़ना चाहिए, लेकिन आज तक 2013 का रेट लागू की है, ये सरकार की कमी है, सरकार ने क्यों नहीं इसको लागू किया? दो साल पर इसको लागू करना चाहिए, हर रेट बढ़ना चाहिए, 2013 में रेट आज पेट्रोल मिल रहा है, गैस दे रही है सरकार हमको, अपने अफसरों को तनख्वाह दे रही है, ये सरकार की नाकामी है, सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है, नहीं तो इधर का रेट हाई हो जाता। अभी ये कंपनी 2013 में आज के डेट में पाइपलाइन और रेलवे कॉरिडोर के लिए ले रही है, अपने अफसरों को तनख्वाह दे रही है डेली बढ़ा करके, और किसानों का रेट घट रहा है, यही गोला पर अभी आवासीय में रेट घटा दिया है, जहाँ 1,60,000 था 1,25,000 कर दिया आज के डेट में, ये सरकार है? ऐसी निकम्मी सरकार को जनता को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, और उसी की तैयारी चल रही है यहाँ पे, इसी सरकार के लिए उखाड़ कर फेंक देना है। क्या कहेंगे? अब आपको यही कहना चाहेंगे कि कहीं अगर देखना है कि भ्रष्टाचार का कोई प्रतीक है, SJBN और मिली भगत में, सरकार के मिली भगत में, जैसे हम लोग सुने थे ना लालू यादव ने चारा घोटाला किया, सरकार मिलकर की थी, आज हम देख रहे हैं कि सरकार मिलकर कृषि घोटाला करा रही है, जमीन घोटाला करा रही है, जीता जागता प्रमाण है। अगर सरकार की नाकामी कही जा सकती है, क्योंकि सरकार की नाकामी हम इसलिए कह रहे हैं कि सारा कमान तो सरकार के ही पास है, और सरकार हमारा किसके पास है? नीतीश जी के पास है। इस साल जो युद्ध हुआ है, अगर किसान अन्न बंद कर दे, पैदा करना, ये सरकार क्या, सारे लोग मर जाएंगे खाने बिना। जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा के किसान और उत्तर प्रदेश के किसान पंजाब में और दिल्ली के बॉर्डर पर जिस तरीके से आंदोलन किए और आंदोलन में जीत हासिल किए, तो सरकार की एक नाकामी को दर्शाते हुए उसका प्रतीक है कि नहीं है? बिल्कुल है, और यही आंदोलन उससे ज्यादा मजबूत आंदोलन यहाँ पे होगा, और सरकार को और कंपनी को झुक करके हम लोग का जो भी मांग है पूरा करना होगा। किसानों के बेटे है और किसानों के लिए लड़ाई लड़ने वाले एक हमारे देश के सबसे बड़े नेता राकेश टिकैत जी है, क्या राकेश टिकैत जी आप लोगों के साथ आएंगे? बिल्कुल आएंगे, हम उनकी राह पर चल रहे हैं, उन्होंने
भारत सरकार को दिल्ली में झुका के दिखाया है, तो हम लोग यहाँ बिहार सरकार को दिखाएंगे। उनके भाई महेंद्र टिकैत का पूरा समर्थन है, आप देख सकते हैं उस पोस्टर में महेंद्र टिकैत जी जो किसान महापंचायत को पूरा वहीं ऑर्गेनाइज करवाए हैं। तो अब पूरा देश का किसान, पूरा देश का किसान अब धीरे धीरे चौसा की धरती में आ करके संघर्ष करके यहाँ के बच्चों और युवकों को नौकरी दिलवाने के लिए समर्थन देगा पूरा। ये तमाम तस्वीरें हैं जहाँ बक्सर थर्मल पावर में, जो चौसा में थर्मल पावर बना हुआ है, वहाँ से मैं लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और ये तस्वीरें एक न एक दिन जरूर बदलाव लाएगी, तब जा करके हमारे बिहार का विकास संभव होगा। कहा जाता है कि इसी थर्मल पावर के द्वारा 85% बिजली पूरे बिहार को जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये बिहार को विकसित करने में बड़ा योगदान है, साथ ही इधर के लोगों के लिए भी रोजगार उपलब्ध कराएगी। मेरा ये प्रयास आप सबों के बीच इन नौजवानों के साथ कैसा लगा, कमेंट में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।